हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परीक्षा में दिए गए गद्य खंड को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसकी क्या विधियां होती हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। जब भी कोई पैसेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के वाक्य सम्मिलित होते हैं। अधिकांशतः वाक्य तो टेंसेज पर ही आधारित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो विशेष बनावट वाले होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कोरिलेटिव यानी जोड़े में प्रयोग होने वाले कंजंक्शन बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर आर, नो सूनर देन, एज सून एज, इस कैसली है, इफ के बाद क्या, अंटिल के बाद क्या, अनलेस के बाद क्या, सो दैट के बाद क्या, ये सारी चीजें में से थोड़ी बहुत निश्चित रूप से दो चार वाक्य उसमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं, ऐसा पैसेज बना। तो इस तरह के कंजंक्शन के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहां दिया है, हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। करा हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। कर आवर मेंटल स्टेट, हमारी मानसिक स्थिति हैज अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे अधिक उत्तरदायी है फॉर आवर माइंड्स फैटेगी, मन के थकान के लिए, एज वेल एज फ्रेशनेस और ताजगी के लिए। फिर सुनिए, हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए, फॉर द फैटिग्यू ऑफ आवर माइंड या फॉर आवर माइंड फैटिग्यू एंड फ्रेशनेस, हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। आवर मेंटल स्टेट इज अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, निराशा डिस्पेयर इज आवर वर्स्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु। डिस्पेयर या डिसअपॉइंटमेंट इज आवर वर्स्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु है। शारीरिक योग्यता का नाश करने वाला इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं, करा शारीरिक योग्यता को नाश करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। नथिंग इज द ग्रेटर डिस्ट्रॉयर, बड़ा विनाशक, नथिंग इज द ग्रेटर डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का, देन दिस वन, कारण नथिंग इज द ग्रेटर डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ देन दिस वन। इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि महीनों के लगातार परिश्रम की थकावट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। करे इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है, इट्स पॉइजनस इफेक्ट, जहरीला प्रभाव, इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो अवेसम, इतना भीषण होता है अवेसम, दैट इवन द फैटिग्यू कॉज्ड बाय द लेबर फॉर मंथ्स, महीनों तक परिश्रम के कारण थकान टुगेदर कैन नॉट इक्वलाइज इट, इसका सामना नहीं कर सकती। फिर सुनिए, शारीरिक योग्यता का नाश करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है, इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो अवेसम दैट, कि महीनों के लगातार परिश्रम की थकावट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। दैट द फैटिग्यू कॉज्ड बाय द लेबर फॉर मंथ्स टुगेदर कैन नॉट इक्वलाइज, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके प्रतिकूल शांत निद्रा से भी ताजगी मिलती है, ऑन द कंट्रेरी टू इट, इसके प्रतिकूल, ऑन द कंट्रेरी टू इट, द फ्रेशनेस दैट इज गेन्ड फ्रॉम साउंड स्लीप
करा इसके प्रतिकूल आदि कंट्री शांत निद्रा से भी ताजगी मिलती है। दी फ्रेशनेस दैट इज गेन्ड फ्रॉम साउंड स्लीप उससे सभी इंद्रियों में स्फूर्ति पैदा हो जाती है। जनरेट्स उत्पन्न करते वीगो शक्ति इन ऑल दी सेंसेस जनरेट्स वीगो इन ऑल दी सेंसेस टू सुनिए आदि कंट्रेरी इफ इट इसके विरुद्ध दी फ्रेशनेस दैट इज गेन्ड फ्रॉम दी साउंड स्लीप गंभीर निद्रा के द्वारा जो ताजगी प्राप्त की जाती जनरेट्स विगोर इन ऑल दी सेंसेस प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है। एवरी वाइज पर्सन वॉन्ट्स टू अटेन फिजिकल एबिलिटी एवरी वाइज मन हर बुद्धिमान व्यक्ति वॉन्ट्स टू अटेन फिजिकल एबिलिटी चाहे वह व्यापार वाणिज्य में लगा हुआ हो पुस्तक लिखता हो कारीगर हो समाज सेवा दत्तचित्र हो प्रत्येक अवस्था में वो सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए आतुर रहता करा चाहे वह जीवन के किसी भी अवस्था में। एवरी वाइज पर्सन वॉन्ट्स टू अटेन फिजिकल एबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एट एनी एज वेदर इंगेज इन ट्रेड चाहे व्यापार में सम्मिलित हो कॉमर्स बुक राइटिंग हैंडीक्राफ्ट आर कॉमर्स कमिटेड टू सोशल सर्विस अथवा किसी भी इन एवरी स्टेट इज ऑलवेज impatient to do more and more work and proceed ahead. करा कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है चाहे वह जीवन की किसी भी अवस्था में हो चाहे व्यापार वाणिज्य में लगा हो पुस्तक लिखता हो कारीगर हो समाज सेवा में प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करते रहना आगे बढ़ते रहने के लिए आतुर रहता है। उसी को कह रहा है कि आंधी का एवरी वाइज पर्सन हर बुद्धिमान व्यक्ति वांट्स टू अटेन फिजिकल एबिलिटी शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ वेदर इंगेज इन ट्रेड कॉमर्स बुक राइटिंग हैंडीक्राफ्ट एंड कमिटेड टू सोशल सर्विस इन एवरी स्टेट इज ऑलवेज इम्पेशेंट हर अवस्था में वो अधीर बना रहता है उत्सुक रहता है तत्पर रहता है क्या टू डू मोर एंड मोर वर्क एंड प्रोसीड अहेड और आगे बढ़ने के लिए उन्नत करने के लिए आतुर रहता है। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक काम निपुणता के साथ शारीरिक योग्यता बढ़ाते हुए किए दी ओनली रिकोर्स टू अचीव इट इसे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय दी ओनली रिकोर्स टू अचीव इट इज टू डू एवरी वर्क हर काम किया जाए एफिशिएंटली क्षमता के साथ व्हाइल एनहांसिंग फिजिकल एबिलिटी शारीरिक योग्यता को बढ़ाते हुए शारीरिक क्षमता के अनुसार काम किया जाए दी ओनली रिकोर्स टू अचीव इट इसे प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय इज टू डू एवरी वर्क इफिशियंटली कि क्षमता के अनुसार शारीरिक योग्यता के अनुसार सब काम किया जाए वाइल एनहांसिंग फिजिकल एबिलिटी जबकि हम अपना शारीरिक योग्यता बढ़ा रहे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पैसेज दिए जाते हैं वह विभिन्न नमूने के होते हैं कुछ में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेज जो होते हैं वह उनका स्ट्रक्चर बनाने में काफी जैसे इसमें लंबा वाक्य जाके तब फुल स्टॉप लगाया और उनको कैसे कैसे कंजंक्शन से जोड़ेंगे किस तरह उसको सेट करेंगे कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू।